तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध का वह समय जब यूरोप में हमारे हिटलर बाबा का राज बना हुआ था और सारी दुनिया इस युद्ध में लीन थी और चारों ओर नाजियों ने तबाही मचा रखी थी। लेकिन उस समय विश्व युद्ध में नाजियों की तरफ से एक जनरल ऐसा भी था जिसे एलाइड पावर के कमांडर बड़ा ही सम्मान देते थे। उसने पूरे विश्व युद्ध के दौरान कभी भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के खिलाफ या फिर यहूदियों के खिलाफ कोई भी दमनकारी नीति नहीं अपनाई थी। वो अपनी मानवता और अपनी युद्ध रणनीति के लिए माना जाता था। और एक समय तो सारे जर्मनी में उसकी लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ गई थी, इतनी कि हिटलर को भी उससे डर लगने लगा था। वो था फील्ड मार्शल एल्विन जोहान्स यूजेन रोमेल, जिसे एक समय डिजर्ट फॉक्स का नाम भी दिया गया था, क्योंकि उसके हमले एक घात लगाकर बैठी हुई चालाक लोमड़ी की तरह होते थे। वो दुश्मन सेना पर उस समय हमला करता था जब कोई अंदाजा भी न लगा पाए। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के कुछ छूटे हुए टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अब दोबारा पूरा करने वाले हैं। इन टॉपिक्स में हम कुछ प्रमुख वॉर जनरल्स के बारे में भी बात करेंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्विन रोमेल और नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन के बारे में। दोस्तों, 10 जून 1940 से लेकर 13 मई 1943 तक नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन के दौरान लीबिया, इजिप्ट के रेगिस्तानों में प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई थी। इसके साथ ही अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनिशिया में भी हिटलर ने अपने अभियान भेजे थे। हिटलर का मुख्य उद्देश्य था किसी भी तरह से स्वेज कैनाल पर नियंत्रण करना, क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे ब्रिटेन को एशिया से लगातार मदद मिल रही थी। उत्तरी अफ्रीका में लड़ाई की शुरुआत इटली की घोषणा के साथ हुई थी। साथ ही शुरुआती समय में अफ्रीका में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सेनाएं डटी हुई थी और दिसंबर 1941 में अमेरिका की एंट्री होते ही यहां अगले साल मई 1942 तक अमेरिका ने सैन्य मदद भेज दी थी। अपनी शुरुआती लड़ाइयों में ब्रिटिश रॉयल टैंक रेजिमेंट ने इजिप्ट की सीमा पार करते हुए लीबिया में एक इटालियन किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इटालियंस ने जवाबी हमला किया और सितंबर 1940 में सीधी वेस्नी पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिसंबर में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ने जवाबी कार्यवाही की और ऑपरेशन कंपास के तहत 10th इटालियन आर्मी डिवीजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जब यह खबर हिटलर तक पहुंची तो हिटलर समझ गया था कि अकेले इटालियंस युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। वो अफ्रीका को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे बेस्ट जनरल इरविन रोमेल को अफ्रीका भेजा। इरविन रोमेल को फरवरी 1941 में अफ्रीका भेजा गया था। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इरविन रोमेल के बारे में भी। इनका जन्म जर्मन साम्राज्य में हुआ था। ये शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपने साथी के साथ मिलकर एक ग्लाइडर बनाया था जो कि उड़ान भरने में भी सक्षम था। ये एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करें, जिसके बाद ये 18 वर्ष की उम्र में सन 1910 में एक अधिकारी के तौर पर पैदल सेना में भर्ती हुए, जहां से आगे चलकर इन्होंने अपना पूरा जीवन जर्मन आर्मी में निकाला। इन्होंने आगे चलकर जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने इसमें भाग लिया और अपनी शुरुआती लड़ाइयों में इटली के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और एक बार तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग 9000 इटालियन सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया था। रोमेल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई बार घायल भी हुए थे। एक बार तो उन्हें इटालियन सैनिकों ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वो इटालियन भाषा भी जानते थे। सिर्फ इस कारण से उनकी जान बच गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो रोमेल खुद भी हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने पोलैंड के अभियान में भी भाग लिया, लेकिन उनकी युद्ध नीति की परीक्षा हुई बैटल ऑफ फ्रांस के दौरान, जब उन्होंने अपनी यूनिट के साथ मिलकर कई आश्चर्यजनक हमले किए। वो तब जाकर हिटलर की नजर में आए, जिसके बाद वो जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ जनरलों में शामिल हो गए और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अफ्रीका कैंपेन में इटालियन आर्मी की मदद के लिए भेजा गया। जैसे ही रोमेल अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने जंग का सारा पासा ही पलट दिया। हालांकि रोमेल के अफ्रीका आने से पहले ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सेनाओं ने इटालियन 10th आर्मी डिवीजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था तथा लीबिया में 500 मील तक अंदर आ चुकी थी। उन्होंने 130,000 के करीब इटालियन सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि एलाइड पावर के पास मात्र उस समय 30,000 सैनिक ही थे जिन्होंने ये सब किया था। दरअसल एलाइड की जीत का प्रमुख कारण था समुद्र के रास्ते से मिल रहा कवर, क्योंकि समुद्र से ब्रिटिश युद्धपोत एलाइड पावर को कवर दे रहे थे, जिसके कारण अब एलाइड पावर लीबिया में काफी अंदर तक घुस चुके थे। लेकिन अपनी जीत से ज्यादा उत्साहित होकर एलाइड पावर ने अपने कई अभियान ग्रीस भेज दिए। उन्होंने शुरुआत में अंदाजा लगाया था कि एक्सिस अब अफ्रीका में कुछ समय के लिए अपना कैंपेन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब अफ्रीका में रोमेल आ चुके थे
रोमेल ने अफ्रीका आते ही अपने सभी संयुक्त बलों को फिर से संगठित किया और टैंकों और वायुसेना के कवर के साथ फिर से एक जोरदार हमला किया। रोमेल ने अपना अभियान मार्च में शुरू किया था और अप्रैल आते आते एलाइड आर्मी को वापस लीबिया से पीछे धकेल दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई 9th इन्फेंट्री डिवीजन को तोब्रुक में घेर लिया गया। साथ ही कुछ एलाइड अधिकारियों को भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद अप्रैल आते आते रोमेल की फोर्स इजिप्ट में घुसना शुरू कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर तोब्रुक में फंसी हुई ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन, जो कि जमीन पर चारों ओर से घिरी हुई थी, उसकी आपूर्ति रॉयल नेवी ने समुद्र के रास्ते से की। इसके बाद एलाइड पावर ने ऑपरेशन ब्रेविटी के नाम से कुछ अभियान भी चलाए, जिनमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया के कुछ डिवीजन भी शामिल थे। लेकिन यह ऑपरेशन शुरुआती हमलों के बाद फेल रहा, जिसके बाद एलाइड फोर्सेस ने ऑपरेशन बैटल एक्स शुरू किया तथा एक्सिस फोर्स को पीछे धकेलने की कोशिश की ताकि टोब्रुक की घेराबंदी को तोड़ा जा सके। लेकिन यह ऑपरेशन भी फेल रहा। रोमेल की रणनीति के सामने यह एक बड़े पैमाने पर किया गया हमला था, लेकिन एलाइट इसमें फेल हो गए। इस ऑपरेशन की असफलता के बाद चर्चिल ने नाराज होकर ऑर्किवाल्ड बेबेल को कमान से हटा दिया, जिनके स्थान पर ग्लॉस ऑचिनलेक को नया कमांडर चुना गया। अपनी नई कमान के तहत एलाइट पावर ने ऑपरेशन क्रूसेडर लॉन्च किया तथा नवंबर आते आते एक्सिस पावर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगले साल जनवरी 1942 में त्रिपोली से अपनी आपूर्ति प्राप्त करने के बाद रोमेल ने फिर से अपने अभियान शुरू कर दिए तथा 29 जनवरी तक अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मई के महीने में गलाला की लड़ाई के दौरान रोमेल को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि यह रेगिस्तान था। यहां आयल की आपूर्ति के कारण एक्सिस आर्मी को बार बार रुकना पड़ रहा था। लेकिन जनरल बीची ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। वो इस मौके का फायदा उठाते तब तक रोमेल अपनी आर्मी के लिए संसाधन जुटा चुके थे। उन्होंने फिर से अपनी सेना को मजबूत किया और अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टोब्रुक के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया तथा आगे चलकर जुलाई 1942 में अल अमीन की पहली लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में दोनों ओर से हमले विफल रहे और दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन रोमेल ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब जब रेगिस्तान में मिल रही बार बार हार के कारण विंस्टन चर्चिल ने मॉस्को के रास्ते अफ्रीका की यात्रा की और बर्नार्ड मोंटगोमरी को नया जनरल चुना। दोस्तों, मोंटगोमरी को वर्ल्ड वॉर टू के सर्वश्रेष्ठ कमांडरों में से एक माना जाता है। एलाइट पावर की अफ्रीका में जीत का सारा श्रेय मोंटगोमरी को ही दिया जाता है। अफ्रीका में अब ये दोनों ही बराबर की टक्कर के जनरल्स आमने सामने थे, लेकिन रोमेल अभी भी रेगिस्तान में आयल की कमी से परेशान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आक्रामक हमले जारी रखे तथा अक्टूबर के महीने में रोमेल ने अपना आखिरी हमला किया और अल अमीन की दूसरी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें दोनों ओर से प्रमुख टैंक बैटल भी लड़ी गई। एलाइट के पास अब भारी मात्रा में संसाधन थे और आधुनिक अमेरिकी टैंक भी शामिल थे तथा नवंबर आते आते रोमेल को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद रोमेल को पीछे हटना पड़ा तथा अगले साल जनवरी 1943 में एलाइड आर्मी ने त्रिपोली पर वापस कब्जा कर लिया। लेकिन उसी दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने मिलकर ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत 8 नवंबर 1942 को एंग्लो अमेरिकन फोर्स ने अल्जीरिया और मोरक्को के 3 समुद्री तटों पर लैंडिंग की। शुरुआती लैंडिंग में एलाइड पावर को विची फ्रांस के साथ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में एक तख्ता पलट के साथ एलाइट पावर अफ्रीका में आगे बढ़े। इन्होंने लीबिया में एक्सिस फोर्सेस को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाई तथा 1943 की शुरुआत में उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सेना दो गुटों में बढ़ गई, जहां उत्तरी ट्यूनिशिया में 8th आर्मी पंजर डिवीजन की कमान थी जनरल वॉन के हाथों में, तो लीबिया में रोमेल अपनी डिवीजन के साथ पीछे हट रहे थे। वहीं एक ओर से जनरल अलेक्जेंडर अपनी डिवीजन के साथ आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी ओर से मोंटगोमरी लीबिया के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे तथा आगे चलकर दोनों ही डिवीजन को उत्तरी ट्यूनिशिया तक सीमित कर दिया गया। बाद में रोमेल को यूरोप से बुलावा आ गया, जिसके बाद वो अफ्रीका छोड़कर चले गए। उनके जाने के 2 महीनों के अंदर ही यानी 13 मई को एलाइट पावर ने पूरे उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और कई इटालियन और जर्मन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफ्रीका से आने के बाद रोमेल को अटलांटिक वॉल की जवाबदारी दी गई तथा रोमेल ने 1943 के अंत तक अटलांटिक वॉल की किलेबंदी की। लेकिन तब तक हिटलर पर्याप्त संसाधनों की कमियों से जूझ रहा था, जिसके कारण रोमेल को इस वॉल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल सके। जब हिटलर की स्थिति खराब होने लगी
तो कुछ जर्मन अधिकारियों ने हिटलर को मारने की एक योजना बनाई। इस योजना में रोमेल के कुछ करीबी दोस्त भी शामिल थे। इस योजना के तहत कुछ जर्मन अधिकारी रोमेल को अपना नया चांसलर चुनना चाहते थे, क्योंकि रोमेल की लोकप्रियता जर्मनी में हिटलर से कम नहीं थी। लेकिन रोमेल ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो हिटलर को मारना नहीं चाहता था, ना ही वो बगावत करना चाहता था। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस योजना से जुड़ा हुआ था। जब ऑपरेशन वॉल्करी फेल हुआ तो हिटलर की जान बच गई, जिसके बाद हिटलर का कहर टूटा और हिटलर ने इस ऑपरेशन से जुड़े हुए सभी जर्मन अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही आगे चलकर रोमेल का नाम भी सामने आया। हालांकि वो इस योजना में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शक के दायरे में थे। उन्हें वापस बुलाया गया, लेकिन रोमेल की लोकप्रियता के कारण उन्हें मौत की सजा सुनाना मुश्किल था। इसलिए उनके सामने दो विकल्प रखे गए, पहला कि आप कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहो और दूसरा कि आप खुद आत्महत्या कर लो। रोमेल ने आत्महत्या को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में उन्हें और उनके परिवार को गद्दार साबित कर दिया जाएगा। इसलिए अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्होंने सम्मान पूर्वक मौत को चुना और अपनी जान दे दी। इरविन रोमेल सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि दुश्मनों के सामने भी काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उनकी लोकप्रियता के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने उनकी तारीफें की थी। साथ ही जॉर्ज पेंटन, बर्नार्ड मोंटगोमरी ने भी उनकी रणनीतियों की तारीफ की थी। उनका मानना था कि अगर रोमेल अफ्रीका न आते तो वो बड़ी ही आसानी से अफ्रीका से नाजियों को बाहर कर देते। अफ्रीका कैंपेन के बाद ही इरविन रोमेल को डिजर्ट फॉक्स का नाम भी दिया गया। इस दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की जीत का प्रमुख कारण था उनके प्रमुख जनरल्स, जिन्होंने हिटलर को जीत दिलाई थी। जब ये हिटलर से दूर हुए तो हिटलर खुद ब खुद ही हारना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।